जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 11, 12, 13, 14 पर चर्चा करेंगे। श्री भगवान वाच असोच्यान अन्वेषो सत्वम प्रज्ञावादामश्च भाषसे कथा सुन गता सुमश्च नानु शोचन्ति पंडिता। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नाशवान है, इसलिए उन लोगों के लिए शोक करना जिनके शरीर नष्ट हो चुके हैं अज्ञानता है। ज्ञानी व्यक्ति आत्मा को अमर समझते हो इसलिए शोक नहीं करते। नत्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्वे व्यमत परमा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा अनश्वर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह सृष्टि के आरंभ से ही थी, अब भी और आगे भी रहेगी। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा नहीं थे और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम में से कोई अस्तित्व में न हो। देहिनो अस्मि यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्रा न मुयति। अर्थात जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है वह जन्म और मृत्यु से प्रभावित नहीं होता। मात्रा स्पर्श तु कौनते शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यासवा भारता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो सुख और दुख हमें इंद्रियों के संपर्क से प्राप्त होते हैं वे अस्थायी होते हैं। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती रहती है, वैसे ही सुख और दुख भी स्थायी नहीं होते। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति को इन्हें सहन करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यम इन व्यतीतते पुरुष पुरुष पर परवा सुख दुख सुखम धीरम सौमृत्वाय कल्पते। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिसको सुख और दुख विचलित नहीं करते, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही धीर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। धन्यवाद गीता ज्ञान में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। राधे राधे।